मजा आ गया, प्लीज प्लीज हैव सीट। कैसा लगा ट्रेलर, मजा आया? चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैं हम और सवाल जवाब का सिलसिला यहां पर शुरू करेंगे। कुछ सवाल आप लोगों के होंगे जो यहां पर दागे जाएंगे और उनसे इनके जवाब लिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप अपने अपने माइक को ऑन कर लीजिएगा, ऐसे पीछे से मुझे इशारा किया। ओके, और शुरू करें। सबसे पहले रोहित भाई, जर्नी जो रही सीजन वन की और सीजन टू की, उसके बारे में कुछ बताइए। पीछे हो जाओ यार, साइड हो जाओ। जर्नी सीजन वन और सीजन टू की मेरे लिए तो मेरी औकात से बाहर है। आई वुड हैव नेवर इमेजिन कि मैं इन सब दिग्गजों के साथ स्टेज शेयर कर रहा हूँ, नाम शेयर कर रहा हूँ, इनके साथ काम कर पाऊंगा। मुझे साल में ऐसा एक आई हैड अ गुड फॉर्च्यून ऑफ स्पेंडिंग 60 ऑड डेज विद सच स्टेलर परफॉर्मर्स। आई थिंक ये मैं टीवी के उस पार हुआ करता था और मुझे ये मौका मिला, तो आई कांट रियली एक्सप्रेस इट। थैंक यू, इट्स बीन, थैंक यू टू एवरीबॉडी फॉर डूइंग दिस फॉर अस। व्हाट वाज द मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर यू इन सीजन 2? मोस्ट स्पेशल मोमेंट फॉर सीजन 2 हैज बीन आई थिंक द मैं ना बचपन से बूगी वूगी देखते आ रहा हूँ, और मैं आपको मालूम नहीं है मैं इतना, मतलब अब तो उम्र हो गई थोड़ी सी आई गेस, बट आई डांस अ लॉट, आई रियली लाइक डांसिंग। और जावेद सर का चाहे तकेशी कासिल हो चाहे बूगी वूगी हो, जितने भी उन्होंने मूवीज में फीचर किया, आई थिंक आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन। और जिस दिन सर ने हाँ कह दिया वो दिन आई थिंक हमें लगा कि कुछ तो कर दिया, तो उस दिन दैट वॉज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर अस। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच रोहित। एंड नाउ लेट्स टॉक टू वस्या, यानी कि वरदान, यानी कि भुवन दान। सीजन वन कबाल का रहा, ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा प्यार दिया। सीजन टू को लेकर कितने उत्साहित हैं और कितना ज्यादा नर्वसनेस है अंदर से? देखो उत्साहित तो मैं बहुत हूँ, और उत्साह मेरा इतना है कि मुझे अब नींद में और बेचैनी में कोई कुछ फर्क है नहीं बिल्कुल। मतलब अगर सो भी रहा हूँ तो बहुत बेचैनी से सो रहा हूँ कि किसी तरह बस ट्रेलर आ जाए और बस अभी आ ही जाएगा कुछ ही देर में, और फिर उसके बाद जो शो हमने इतना जी जान लगा के बनाया उसका सेकंड पार्ट फाइनली जनता के लिए हो जाएगा, तो मैं उसके लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बट होता है ना पेट में गुड़गुड़ होती है, आज गैस है तो गुड़गुड़ भी नहीं है, तो कुछ अलग ही चल रहा है सुबह से। तो गजब चल रहा है दिल्ली के अंदर में, बारिश भी चल रही है और जावेद सर दिल्ली में। लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो एक बार ताली बजा दो यार मेरे लिए। जावेद सर के साथ आज यहाँ स्टेज पे बैठना मेरे लिए खुश नसीबी है, बिगेस्ट फैन ऑफ यू सर। एंड रोहित से मुलाकात है, भुवन से मुलाकात है, आपको आज पहली बार स्टेज पे ऐसे देखे मैं तो बहुत खुश हूँ यार। जावेद सर दिल्ली में, आप दिल्ली वाले बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, व्हाट इज द वन थिंग यू रियली लाइक अबाउट दिल्ली? जैसे आपने कहा कि दिल्ली में जो पुरानी कहावत हम हमारे फादर से सुना करते थे, दिल्ली दिल वालों की है, तो वो तो है, कोई बात नहीं, तो कोई शक नहीं है। एंड यहाँ के स्पेशली जो यहाँ की यूनिवर्सिटी कैंपस के जो स्टूडेंट्स हैं वेरी लाइवली, एंड यू नो आई जस्ट लव उनके बीच में आके देखना, जो बाहर फॉर्म में रिसेप्शन देना इज फैंटास्टिक। और हमेशा दिल्ली आके बहुत अच्छा लगता है, लोगों से मिलकर हमें जो प्यार मिलता है, देखो बम्बई वाले हमको देखते रहते कहीं ना कहीं, तो जब हम बाहर आते हैं खासतौर से दिल्ली में आते हैं तो इट्स फैंटास्टिक, बहुत बहुत प्यार मिलता है। आपके कूल क्वेश्चन की दुनिया दीवानी, बहुत प्यार करते हैं लोग आपके स्टाइल को। इसमें एज अ विलन आप आ रहे हैं, व्हाट वाज द वन थिंग जिसने आपको कहा कि यार विलन बनते हैं अब तारक सीजन 2 में? मेरी शुरुआत ही एज अ विलन हुई थी, मेरी पहली फिल्म मेरी जंग, उसके बाद कई अलग रूप धारण हुए, कॉमेडी भी की, एक दो लीड्स भी किए, बट ज़्यादातर रिसेंटली कॉमेडी में धमाल वगैरह में तो पसंद किया लोगों ने, बट बहुत दिनों बाद यू नो, एंड ये जो मौका मिला आई वॉज रियली एक्साइटेड कि भाई किसी ने मुझे देखा, बिकॉज लोग क्या है कॉमेडी सर आप कॉमेडी करें, तो मैं भी कुछ थक गया था कि यार ठीक है कॉमेडी मज़ा आता है, बट यू एन्जॉय एज एन एक्टर कि आपको एक, तो ये जब स्क्रिप्ट मिली खास और मैंने जब पढ़ी तो मैंने फर्स्ट सीजन पहले देखा, मैंने पूरा देखा नहीं था, तो मैंने बाद में फिर मंगा के फिर से देखा मैंने उसको, और एंड आई लव इट, मतलब जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया है बहुत, और आई वाज सरप्राइज बिकॉज भुवन को मैंने थोड़ा, मैं ज़्यादा इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो आई वेंट थोड़े देखे थे मैंने, मैंने कहा ठीक है इज अ फनी गाय फन गाय, बट फिर मैंने दादा साहब देखा, मैंने इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, नॉर्मली आते हैं
आई एम नॉट सेइंग कि जो इंस्टाग्राम फेसबुक पे लोग आते हैं दे आर नॉट वेरी टैलेंटेड बट दे आर लिमिटेड. बट मैंने जब ये रूप देखा था एक्टर सो मैंने कहा नहीं गाइस एक अच्छा सीजन परफॉर्मेंस दिया. मैंने कहा इट्स अ गुड टीम आई इसे बिल्कुल करना चाहिए और मेरे लिए ये रोल बहुत एक अलग हटके और बहुत ही पावरफुल रोल था. तो आई एम लकी. थैंक यू फॉर यू नो थिंकिंग ऑफ मी इन दैट एंड आई एम लकी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. सो आई होप इट कम्स अक्रॉस पीपल लाइक इट. ट्रेलर मैंने पहली बार देखा एंड इट्स अ फैंटास्टिक ट्रेलर बट आई एम टेलिंग यू ट्रेलर से 10 गुना बेहतर इज द सीरीज. नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेलर सब कुछ होता है अपनी सीरीज देखते हैं हाँ यार इसमें कोई दम नहीं है बट दिस आई एम टेलिंग यू दैट द सीरीज इज 10 टाइम्स बेटर देन द ट्रेलर. सो आई एम श्योर दैट यू विल हैव अ ग्रेट टाइम. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक्स अ लॉट. तो जावेद सर एज अ विलेन आपको ताज़ा खबर सीजन 2 में देखने को मिलेंगे. मैं बहुत उत्साहित हूँ उन्हें देखने के लिए. लेकिन अभी मैं बात करना चाहूंगा गॉर्जियस लेडी ऑन द स्टेज लेडीज एंड जेंटलमैन श्री अपिल गांवकर. हमारी अपनी मधु. मधु का कैरेक्टर सीजन 1 से और सीजन 2 में किस तरह से इवॉल्व हुआ, क्या डिफरेंस है इसमें? Firstly, thank you so much for having all of us here. और दिल्ली मेरे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा शूट किया है दिल्ली में. सो आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू बी हियर. और आई थिंक अगर मिर्ज़ापुर के बाद किसी शो या कैरेक्टर के लिए मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिला है वो ताज़ा खबर के लिए है. सो थैंक यू टू टीम फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड. एंड लाइक जावेद सर सेड कि यू नो जिस तरह से लोगों को हमारी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जनरली सबकी पसंद आई है, ऑफ स्क्रीन भी जनरली हमारी उतनी ही अच्छी केमिस्ट्री है, उतना ही अच्छा बॉन्ड है. एंड आई थिंक एक शूटिंग प्रोसेस में ये बहुत ज़रूरी होता है. फिजिक्स सॉरी फिजिक्स यस यस यस. और जावेद सर के पंस एंड जोक्स आर द एपिक. आई थिंक दैट इज मेड आवर सीजन 2. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली आई थिंक सीजन 1 में हमने देखा मधु किस तरह एज अ सेक्स वर्कर यू नो वो अपने लाइफ में किस मुकाम पे थी. एंड नाउ जब पैसे आते हैं पावर आता है पूरा ग्रुप का डायनामिक बदल गया है. एंड आई डोंट थिंक नेसेसरीली फॉर द बेटर. पर सीजन 2 इज ऑल अबाउट कि रिश्ते कैसे इवॉल्व होते हैं और बस यार मधु की जो जर्नी है उनका जो रिश्ता है कैसे इवॉल्व होता है. सो विदाउट रिवीलिंग मच आई विल से दैट वर्षा को डांट तो बहुत पड़ी है सीजन 2 मुझसे तो बहुत पड़ी है ना. बहुत बहुत सारा कुछ लड़के होते हैं डांट खा के जिस उधर पे मैं वही हूँ. देवेंद्र सर आपकी हैट में बहुत सारे फेदर हैं. डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, कमाल की कॉमिक टाइम की कमाल का आप काम करते हैं. तो ये सीजन 2 के अंदर में आपका जो कैरेक्टर है ये कैसे अनफोल्ड होगा? महबूब भाई को पहले सीजन में बहुत प्यार मिला और आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम बीइंग अ पार्ट ऑफ भुवन बाम. सो लाइक मेनली आई वुड यू नो इट्स अनफेयर टू से दिस लाइक भुवन बाम शो बट यू नो माइंड में वही आता है कि ताज़ा खबर. सो एंड इट हैज बीन रियली रियली प्लेजर वर्किंग विद द होल टीम. और सेकेंड सीजन में महबूब भाई का और भी कैरेक्टर आगे निखरा है उसमें. ऑफकोर्स वो जो मॉरल्स और एथिक्स में मानते हैं वो तो मानते ही हैं लेकिन कभी कभार ऐसे चैलेंजेस वो फेस करते हैं कि जहाँ उनको डिलेमा ऐसा हो जाता है कि चूज़ करना पड़ता है कि बेटी का फ्यूचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मॉरल्स और एथिक्स को चिपक के रहना. सो एंड प्लस वसंत के साथ जो उसका इक्वेशन है उसमें भी कई उतार चढ़ाव इस सीजन में आपको ज़्यादा देखने मिलेंगे. एंड आई एम लुकिंग सी frankly I have stopped keeping expectations in life. ये मैंने सीख लिया life में कि expectation नहीं रखनी चाहिए क्योंकि मैं hopeful हूँ. मैं hopeful रहना शुरू कर दिया और मैं हर चीज़ को लेके बहुत positive outlook रखता हूँ. expectation में क्या है आप एक benchmark set कर देते हो अपने दिमाग के लिए और अपने दिल के लिए कि ये नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आएगा. मैं hopeful हूँ कि जो भी होगा बहुत अच्छा होगा. हम लोगों ने इतना दिल परोस के रख दिया है अपना जनता के सामने सीजन 2 को लेके. सीजन 1 बनाना ही पहली बात तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और उससे बड़ी बात ये थी कि एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है डिज्नी प्लस हॉटस्टार. उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझ जैसे लड़के को मौका दिया कि आप यूट्यूब से बाहर आओ और एक आप अपना शो बनाओ. और आई एम ग्रेटफुल टू हुसैन भाई एंड अब्बास भाई कि उन्होंने ये शो मुझे सुनाया. और फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि यार प्लीज़ ढिंडोरा के बाद अगर मुझे कुछ बनाना है तो यही बनाना है, क्या आप मेरी मदद करोगे इसमें? तो फिर हम लोगों ने उसको लिखा और फिर बनाते बनाते सीज़न 1 बन गया.
उसमें इतनी ज़बरदस्त कास्ट, हमें इतने ज़बरदस्त एक्टर्स को कास्ट करने का मौका मिला, और फिर वो सीज़न वन सही है, सीज़न वन हमें औकात से बाहर ले गया। मतलब मैंने नहीं सोचा था यार, मेरे को लगता था यूट्यूब पे ही देखेगी जनता, यूट्यूब पे ही पसंद करेगी, लेकिन उन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया, उन्होंने हॉटस्टार पे देखा शो, और फिर वो शो आई डोंट थिंक इट बिकेम लाइक 2022-2023 का सबसे मोस्ट वॉच्ड शो था, वो थर्ड मोस्ट वॉच्ड शो, सेकेंड। आई लव यू यार, लव यू सो मच। पर हाँ, जो भी है, नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, फिर मौका लगा कि सीज़न टू भी बनाना चाहिए। तो अभी तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, यही है कि ये फटेगा शो और जनता को बहुत पसंद आएगा। काफ़ी सही चीज़ें हैं इसमें, गाने बहुत अच्छे हैं इसमें, और एल्बम भी बहुत अच्छी है, और एक्शन एक्शन भी सही है। ट्रेलर में थोड़ा बहुत कोशिश किया है हमने दिखाने का, और सबसे बड़ी बात इसमें जावेद सर है, और मैं तो खैर बता नहीं सकता कितना एक्साइटेड हूँ। बहुत सामने जी भाई, सीजन में मुझे बहुत पसंद आया था भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। थैंक्स भाई। और अभी ट्रेलर देख के लग रहा है ये और भी जबरदस्त होने वाला है। तो यू स्टार्टेड योर करियर एज अ यूट्यूबर, बट नाउ यू आर शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद महेश मांजरेकर सर एंड जावेद जाफरी जैसे दिग्गज कलाकार, आप शेयर कर रहे हैं स्क्रीन पे, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है आपका, कैसा अनुभव रहा पूरा सीरीज में, जानना चाहूंगा आपसे। जब मुझे पता चला कि महेश सर के साथ काम करना है, जब मुझे पता चला कि जावेद जाफरी सर के साथ काम करना है, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी, तू बस अपनी लाइंस याद रख, तू बस अपना इमोशन सही रख, बाकी तेरे को रोज सेट पे जाके सिर्फ सीखना है, क्योंकि ये दरिया है, ये इंस्टीट्यूशन है, ये दोनों लोग, इनफैक्ट तीनों लोग, देवेंद्र सर, जावेद सर और महेश सर, ये दरिया है, ये इंफॉर्मेशन का दरिया है। जितना काम इन लोगों ने किया है, उससे सिर्फ सीखने को ही मिल सकता है आपको। तो मैं बस रोज सेट पे जाता था कि आज क्या सीख के आऊँ, डायलॉग बोलो और एक जीवन का फलसफा घर लेके आऊँ। तो आई फील यही किया है 60 दिन, और करते रहेंगे ऐसे अगले सीजन में भी। अच्छा भुवन सर, एसआरके ने बहुत अप्रिशिएट किया था, माइक ले लो प्लीज, माइक ले लिया उन्होंने मेरे से यार, आप मेरा माइक। अरे एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन इतना अन्याय है, ऐसा कुछ विशेज नहीं आया उनका, मुझे एक याद है उन्होंने ट्वीट कर दिया था यार, किसी का उनका ताजा खबर देखा, कह रहा नहीं बट मैं देखूंगा जरूर। फिर क्या हुआ, फिर पठान का वो आया था, क्या बोलते हैं, प्रोमो शूट किया ना हमने, तो उसके अंदर सर को मैंने बोला कि सर के साथ बैठे थे हम, तो सर को मैंने बोला सर शो आ रहा है ताज़ा खबर करके, कितना लंबा शो है, मैंने कहा सर 2.5 घंटे में निपट जाओगे, कह रहा पक्का एकदम मूवी की तरह है, मैंने कहा मूवी की तरह, कह रहा देख के बताता हूँ। फिर उसके 2-3 दिन बाद उन्होंने वो ट्वीट रीट्वीट किया, बस तब से मैं जाग ही रहा हूँ। थैंक यू भाई। हेलो सर, आई करुणा शाह फ्रॉम एपी नेटवर्क। हेलो जावेद साफरी सर, मेरे को कैन हाय कैन द साउंड पीपल जस्ट रेज द वॉल्यूम ऑफ द माइक ऑफ द व्हिच इज इन योर ऑडियंस, माइक को थोड़ा करिए, यू डोंट फील विद इट, यू जस्ट टॉक इट, द साउंड गाय वाज हैंडलिंग द साउंड, ही रेज दैट माइक लेवल प्लीज। जावेद साफरी सर, आपसे भी क्वेश्चन पड़ी, चलो एक मिनट में सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे वी हैव एंजॉयड योर आर्ट इन ऑल इट्स ग्लोरी थ्रू डांस, थ्रू कॉमेडी एंड थ्रू अ शेड ऑफ ग्रे एज वेल, ताज़ा खबर विल बी ब्रिंगिंग आउट एन आउटराइट नेगेटिव कैरेक्टर, अमंग दिस व्हिच वन डू यू एंजॉय द मोस्ट? ओके सो प्राइमरली आई एम एन एक्टर एंड फॉर एन एक्टर टू गेट इनटू बीइंग डिफरेंट पीपल, दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ मी, बिकॉज आप इतनी एक तरह से हम तो एक जिंदगी जीते हैं, एक एक्टर कई जिंदगी जीता है, एज कैरेक्टर्स ही प्लेज और शी प्लेज, तो मेरे लिए तो चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, फनी हो, ट्रेजिक हो, जो भी हो, लेकिन हाँ सॉफ्ट स्पॉट होता है कभी कभी कि जो लोग हंसते हैं आपके साथ और आप मुस्कुराहट ला सकते हैं लोगों के चेहरे पर, तो आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग, बट एज एन एक्टर ऑब्वियसली आप हर किस्म के रोल करना चाहते हैं, आई जस्ट लाइक प्लेइंग, अभी 40 सालों से मैं हूँ and I have been lucky कि मुझे अच्छे रोल मिले, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी 3 में तो नहीं आ सकता unless कुछ resurrection हो जाएगा, वो आता है,
but I hope that as a role of Artisan, so I'm looking forward. Hi, this side. Hello. Hi, Mohan bhai. Hi, everyone. Ankit this side from NewsX. And मेरा भुवन भाई आपसे सवाल है. पहले तो ट्रेलर देखा बकमाल, बहुत ही मजा आ रहा है देखने में ही. अंदर से ही बटरफ्लाईज इन द स्टमक है कि कब रिलीज हो 27 को. और सवाल मेरा आपसे ये है कि इंसान अपने से बड़ों से भी सीखता है, अपने से छोटों से भी सीखता है. तो आपके साथ तो फॉरनर्स भी हैं, आपके यूनिवर्स भी हैं, तो क्या एक क्वालिटी अगर आप बताना चाहें आपने किससे क्या सीखा? क्योंकि इंसान सीखता है, चाहे वो जावेद सर हैं, द्विन सर हैं, सबसे हमने कोई ना कोई चीज़ सीखी है. तो एक एक क्वालिटी अगर बताना चाहें किससे क्या सीखा, अच्छी और बुरी भी, मस्ती वाली भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी ऐसे मस्ती वाली. पहली बात तो यहाँ जितने भी मेरे अलावा लोग हैं इन सब ने मेरे से मिनिमम 5 साल ज़्यादा काम किया हुआ है. तो सबसे छोटा मैं हूँ और मैं इसमें बड़ी प्राइड लेता हूँ कि मैं एक लौता बंदा हूँ जिसको खूब सारा सीखने को मिलेगा. तो क्या सीखा यार मैंने 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 देवेंद्र सर ने, स्पेशली मैंने, प्रथमेश ने, श्रिया ने, हम चारों ने सेट पे सिर्फ लाइफ की बातें करी. सिर्फ लाइफ की बातें करी, हमने कभी भी डायलॉग्स की बातें नहीं करी, कभी शो के बारे में बात नहीं करी, कभी सिनेमा के बारे में बात नहीं करी. इक्का दुक्का इधर बात हो गई होगी, बट लाइफ को इतना डिस्कस किया ना हमने. क्योंकि हमेशा मैं ईगर हूँ, सर से मैं पूछता रहता हूँ, सर मुझे बोलते नहीं पर सर मेरे से बहुत परेशान है. क्योंकि मैं सर को रोज एक सारा भाई वर्सेस सारा भाई का सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट शो है. कोई मेरे को एक एपिसोड दिमाग में आता है, मैं सर को बोलता हूँ सर ये कैसे शूट किया था, सर इसके पीछे क्या थॉट था. तो ये मुझे सीखने को मिलता है. प्रथमेश मराठी मूवी इंडस्ट्री का इतना बड़ा स्टार है, और जो इसका कमांड है इसकी लैंग्वेज पे, जो इसका कमांड है इसके क्राफ्ट पे, वो रोज वस्या पीटर के जब जब सीन होते थे तो वो फूट फूट के निकलता था बाहर, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता था. अगर मैं एक दे रहा हूँ वो 5 देता है. सिमिलरली विद श्रिया के साथ तो मैंने बहुत रैंडम बातें भी बहुत करी हुई. हम तो बहुत रैंडम बातें करते हैं, हम खान पीन की ज़्यादा बातें करते हैं. बट कितना कुछ सीखने को मिलता है आपको इन लोगों से, और मैं बड़ा इस चीज़ में बहुत प्राइड लेता हूँ कि मैं यहाँ एक्सपीरियंस में सबसे छोटा हूँ. और अच्छा ट्रेलर अभी मजा आया देख के भाई, इसके बाद वापस देखना ठीक है, एक यूट्यूब पे व्यू बढ़ जाएगा. और हाँ दोनों से देखना, और 2-3 और कहीं से मार के वहाँ से भी देखना. और सब्सक्राइब नहीं देखे सब्सक्राइब कर लें, तो पता ही क्या करना है, शेयर कर ठीक है, ग्रुप बढ़ा दें ठीक है. बट जैसे कि आपने कहा कि चाहे छोटे भी हों तो भी उनसे आप सीखते हैं, तो मेरे लिए ये बहुत लागू होता है, स्पेशली भुवन माम से. लाइक वो इतना पॉपुलर है, हिट ही इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फेसेस ऑन इन इंडिया ओके, एंड स्टिल ही इज सो डाउन टू अर्थ, ही इज सो ग्राउंडेड, ही इज सो वार्म, ही इज सो लविंग एंड केयरिंग, कि मुझे लगता है कि मैं भी हूँ कुछ हद तक. और जो ये है वो तो कोई मतलब वो सारी चीजें ना मेरे को ऑब्जर्व कर करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा इनसे सीखता हूँ. वक्त की नजाकत को समझते हुए हमें सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर थामना पड़ेगा. और फोटो आपके लिए सर, एक लास्ट क्वेश्चन व्हाइट शर्ट वाले सर से लेते हैं. ऐसे बोल दो आपकी आवाज बुलंद है. हाय सर, माय नेम इज आकाश, आई एम फ्रॉम फिल्मी कीड़ा. सो मेरा एक सवाल सबसे ही रहेगा कि इस पूरे सीरीज में एक बहुत यूनिक बात है कि आप लोगों को पता चल जा, भुवन सर को पता चलता है कि क्या खबर आने वाली है. तो फर्ज कीजिए कि रियल लाइफ में आपको ऐसा पता लग जाए कि कोई एक मतलब एक खबर आपको पता लग जाए आपकी रियल लाइफ की, तो क्या खबर आप पता करना चाहेंगे? सबसे मैं जानना चाहता हूँ, स्टार्टिंग विद श्रेया. कोई भी मैम हो जो आपको लगे कि मुझे पता लग जाए, जैसे सर को पता लग जाती है ना कि पैसा मुझे शुरू मत करो, मुझे सोचना पड़ेगा, ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है जैसे. मैं बताता हूँ, मैं अभी मनी मन दुआ कर रहा हूँ कि अभी मुझे ताजा खबर आ जाए कि सीजन 2 सुपर टूपर हिट हो गया. सर वो तो है, वो तो है. और कुछ नहीं चाहिए मुझे, कसम से कुछ नहीं चाहिए मुझे, कोई पैसे की खबर नहीं चाहिए, कोई खबर नहीं चाहिए मुझे. सीजन 2 हिट हो जाए बस, अभी करना की आ जाएगी वाली. वो तो है सर, डन है, सुपर हिट है, सुपर सर. जावेद सर, Like you said, yeah, it's not a हर चीज पैसा उसके बारे में नहीं होती. जी. For me, it's like, I think different. I think world peace, I think दुनिया में शांति हो जाए, लोग प्यार मोहब्बत करें अपने साथ. एंड एंटरटेनमेंट हमारा काम है, हम एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि जो भी कुछ हो रहा है, जहाँ कुछ हो रहा है, प्यार मोहब्बत से लोग रहें, ये सब आग बुझ जाए, that's what I look forward to. I think as I get the news, all wars have stopped, people have got food, people are living peacefully, that's the best news for me in the world.
So for us, your acting is peace. Thank you, sir. Thank you, sir. I think you've got your